मंगलम भगवान जीव मंगलम गौसंगल मंगलम कुंद सुंदर जैन धर्म मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कार प्रधानम सर्वधर्मान जीवन जीवन तर्पण जीव योगिंद वंद वंद वंदित सर्वदा लोक जीव किसको कहते हैं लोक संज्ञा जिसकी जिंदगी का चौकांट है जो अपनी कसाई की पूर्ति करके सुख मानता है उसका नाम लौकी। इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है और मन उसको छोटी छोटी बच्ची कभी कभी बड़े बड़े बुजुर्गों से कहते तुम नहीं समझे बाबा तुम समझते नहीं पापा तुम समझते नहीं। हाँ समझते होते तो बाबा का को बांधे पापा क्यों बांधे अपनी पढ़ाई को ऐसा समझेंगे जैसे बहुत बड़ी हो। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी क्षेत्रों में तुम समझते हो हम नहीं समझते लेकिन बहुत से क्षेत्रों में हम समझते तुम नहीं समझ तुम नहीं समझते ये कि सभी चक्कर दे सुविधाओं की दुविधा त्यागो सुविधाएं करेगा दुविधा में कौन पड़ेगा। भोगों में लोग बसते हैं जो भोगों के अधीन है वो सब जगत के अधीन होगा वह जी जहाँ सुख की कल्पना करेगा वहीं सुख अधीन हो जाए। सुविधाओं की दुविधा त्याग दुविधा मन ऐसा करें ये हो दुविधा दो प्रकार से निश्चय और व्यवहार का दो प्रकार का निपुण समझते हुए अपनी बुद्धि से लगा पढ़ा दूसरा ने सुविधाओं के दुविधा के कारण यह जीव विकल्प को चयन करता नहीं समझता कि भगवान का ज्ञान सच्चा है अपने विकल्प यूं दे अपने विकल्प सही है दूसरे के विकल्प झूठे हैं बस ये मानता है। कैसे लिखा क्रम भोग बंधन की कथा सुनी है परिचित अनुभूत है आचार्य तो करता है किसी ये सुखी होने का रास्ता पूछो हम बहुत परेशान हैं वो बताएगा और वे उपाय झूठे होंगे तो रोणी क्या कहते तू जो उपाय करता है वह झूठे है माने यहाँ से शुरुआत करो उपाय माने विचार तुम जो विचार करते हो झूठे है। इस प्रकार के अंत काल में भी दुख का भाव संभव नहीं है ये विपरीत विचारों को छोड़ो समय विचार करो। उसने एक बात कही थी मुर्दे को जिंदा मान मानेंगे हम जिंदा ही
आचार्य तो कर रहा है, क्या मतलब उसी प्रकार से उपदेश देता है, उसी की अनुमोदना करता है। इच्छा के अभाव के लिए अपने स्वभाव का आश्रय नहीं करते, इच्छा के अभाव के लिए जिन्हें इच्छा का अभाव हुआ उन परमेश्वर की भक्ति में नहीं पड़ते। इच्छा के अभाव के लिए संकल्प ही है, उसे मालूम ही नहीं पड़ता। घर में इच्छा पूर्ति होती रहे तो कोई नहीं समझेगा कि हमें बाहर निकलना। लोग आपको दृष्टांत दे चुके, घर से बाहर जाओगे तो चार दिन बाद चलोगे, अब चलना है, बहुत दिन हो गए भैया, चार दिन बहुत दिन लगते हैं, सुने घर में रहते रहते कितने दिन हो गए, जन्म से ले रहे हो, लगता ही नहीं बहुत दिन हो गए, अब निकलना तो है, निर्गंध मार्ग अपनाना है, बिना विषयों के सुखी होने की आदत डालनी है, कुछ उस अब कहाँ जाए, कोई कह भी तो ये कहेंगे कहाँ जाए, नहीं जाए तो अनुशासन में रहो, लेकिन नहीं हमें अनुशासन में भी नहीं रहना और न जाना भी नहीं। अनुशासन रहे तो करके कहाँ जाओ, जहाँ जाओगे वहां दुखी जाओ। अनुशासन का पालन करना सीखो, आज्ञा देना नहीं, अपनी मनमाना नहीं, मानना सीखो। और भीतर से ऊपर से नहीं, हम अनुशासन का पालन करेंगे, क्या पालन करोगे, विचार करो। सच विचार वाला जीव ही समुत्पादकारी है। ये हमारे पर्ण मन के अनुकूल नहीं है, इच्छा के अनुकूल नहीं है कि धर्म के अनुकूल नहीं है, पहले तो ये सोचो। और इच्छा के अनुकूल नहीं है तो कोई बात नहीं, इच्छा अनुचित है कि उचित है, लेकिन मिथ्यात् की दशा में अनुचित भी उचित नहीं, दिक्कत ये है, गलती भी सही लगती है। एक भाई बीमार हो गए, भक्ति में प्रवृत्त रहा है, जो आता है पूछे नहीं, कहे कहू डॉक्टर दिखाओ नहीं, वैद्य को दिखाओ नहीं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अरे ये तो ठीक है, मन से कुछ नहीं हो, अंदर में ये मन सा पड़ी है, भगवंतों की भक्ति से कुछ नहीं होगा, ये मन सा पड़ी है, जबकि कर्म का संक्रमण होता है। होता है संक्रमण, अपकर्षण उत्कर्षण, परिणाम के वर्तमान के परिणाम के निमित्त पाकर जो पूर्व में बंद भरी है उनका भी संक्रमण हो जाता है। संक्रमण माने बदलना, पाप पुण्य में बदल जाते, एक शब्द है उदीना, उदीना भावदीपता में पढ़ना, तब तत्काल सुखी से सुखी हो जाता है, सुखी से दुखी हो जाता है, अच्छी खासे बैठे और एक खबर एक चिट्ठी मिली, फोन आओ और बस दुखी सुखी हो गए, मर गए हम तो, क्यों ममता के कारण मरे हो कि उस दीनान के कारण मरे हो, लेकिन नहीं लग रहा, घर से खबर आ गई,
अरे घर से खबर आ गई तो क्या हो गया, झूठी खबर है कि सच्ची खबर है? अरे सच्ची है, भगवान मुझे वाणी सच्ची नहीं लगी, वो सच्ची लगने लगी। अमुक बीमार हो गया, अमुक मर गया, अमुक चला गया, बहुत सच्ची लग गई। उसके प्रतिकूल प्रवर्तन पर भी सुखी होने के लिए हम स्वतंत्र हैं। दो बातें देखना चाहिए, एक तो इच्छा के अनुकूल नहीं और एक धर्म के अनुकूल नहीं। क्या बात है, सावकाचार्य में लिखा है कि भैया अगर ईशावश विरोध करता है तो करें तो, अगर वास्तव में कोई विरोध का कारण है तो दूसरा ये हमारा विरोध करते हैं। विरोध करते हैं माने अगर तुम्हें कोई कारण समझ में आता है तो दूर करो, और कारण समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं। हमारे उद्देश्य ज्यादा नहीं कर सकता। कल का था जितना दवा होते हैं दबे वो जितना दबते जा होते हैं दवा से आए। अरे ऐसा नहीं है, पत्थर को दबाओगे उंगली टूटेगी, पत्थर को दबाएंगे तो उंगली टूटेगी। अभी पुण्यवान से हम घिर जाएंगे तो मूल रचना से बल बल जरूर। सारा जीवन सारी बुद्धि सुविधाओं की दुविधा में लग रही, आज ये खराब हो गया, आज ये खराब हो गया, आज ये खराब हो गया, आज ये अच्छा हो गया, भगवंत मिले उन्हें भी ख्याति लाभ का साधन बना दिया, लोग में हमारी ख्याति हो जाए। प्रसिद्धि के लिए विशुद्धि का घात बंद करो, प्रसिद्धि जगत प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी विशुद्ध परिणामों का घात करें। स्वाध्याय का तरीका बदलना पड़ेगा। एक अनपेक्षा नाम का स्वाध्याय, इसका अर्थ ये नहीं है बार बार पढ़ लेना। अनपेक्षा का मतलब ये हमारे जीवन में कैसी आए, हमारे विचारों में कैसी आए, हमारे वचनों में कैसी आए, हमारी चेष्टा में कैसी। हमें क्या मतलब? अरे तुम्हें मतलब नहीं तो मतलब नहीं होता तो फिर दुखी होती। मंत्राणी भी कहा रामायण में, हमें कहा रानी चीज छोड़ी रानी तो नहीं है, क्या भरत को राज्य में ले चा, तुम्हें अगर मतलब ही नहीं तो भूल का करे खोजी का भरी। इतनी शक्ति है इतनी बुद्धि है, अगर तुम अपना तत्व का अभ्यास करो तो कल्याण हो जाए। ये तो नैमित्तिक कथन है, जितनी प्रीति भोगों से है श्री पुत्रादि से है उतनी राम से हो गए तो कल्याण हो जाए। राम से प्रीति का मतलब राम के वचनों में प्रीति, प्रीति का मतलब है वो सही मालूम होना, सही भाषित होना। जिनवाणी में जो लिखा है वो सच्चा है, हम जो सोच रहे हैं वो झूठा है। ऐसे विनयवान शिष्य हुए गुरुवर स्वामी क्या कह रहे, इसमें जो उत्तम उत्तम तत्व है वो हमारी गुरु का है
और जो जघन्य तत्व है भूल हो गई है, स्खलन हो गया, वो मेरा। हमने तो ऐसे ही सुनो तो, हमने तो ऐसे ही पढ़ा था, एक विद्वान के प्रश्न सुन रहा, कोई भी विद्वान हुए राग का पोषण तो करेगा नहीं, कोई भी कथन जिनवाणी का हो गए उसमें राग तो है लेकिन राग का पोषण नहीं है। तुम उस कथन को लेकर के राग का पोषण क्यों कर रहे हो अपने? वर्तमान युग की सच्चंदा तुमने पढ़ी है? आदिश्वर नीलांजन का नृत्य गए थे तो हमें कहा हम टीवी देखने में क्या परेशानी है? परेशानी ये है तुम्हारे जितनी देर टीवी देखोगे परिणाम खराब होंगे। और वो बिना चाहे हुए भी विचार चलेगा, मनोविकृति के कारण है, मनोरंजन के साधन नहीं है, वहां मन प्रसन्न नहीं हुआ। जब तक रोटी बन रही तब चीजें खाई, कितना ही प्यास लगे लेकिन नाली का पानी तो नहीं पियो। जब ये बातें तुम्हें समझ में आती हैं तो ये क्यों नहीं समझ में आती? सोचने से पहले सोचने लायक सोचो। गुरुओं के कहे हुए अर्थ का अंतरंग में बारंबार विचार कर रहा, अपने विचारों को एक दिशा में ले जाओ, मनमाना नहीं। मनमाने के लिए आप लिखो, मन तक होती है कि पर द्रव्य का इसमें हस्तक्षेप है। हमारे सुखी दुखी होने का कारण हमारी कथा है, पर जब नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। हमारी मानता का कारण पर जब नहीं है, अपनी कथाएं हैं। हमारे दुख का कारण ये हमारी कथाएं। तुम्हें ये मालूम होगा ये गर्मी का कारण है तो इसको हटाओ, और तुम्हें चूल्हा का दुख का कारण मालूम होगा तो चूल्हा हटाओ। अगर ये समझ में आ जाएगा कथाएं दुख का कारण है तो कथा को दूर करने का उपाय करो, उन्हें क्षेत्र बदलने का उपाय करो, वेश बदलने का उपाय करो, और कुछ नहीं करो। इस जगह काफी गंदगी फैली। एक सज्जन व्यक्ति निकला, बोले सुनो गंदे लोग ही गंदगी फैलाते, तखत में कितनी कीलें होती हैं? तखत में एक कील भी अगर कमजोर पड़ेगी तो ढीले हुई हलेगी, हलेगी नहीं हलेगी। जो चाहे सो मत करो, न सोचो न बोलो और न करो। जिनवाणी में जो कहा है उसको सोचो, वही बोलो, वही करो। अनविज वाचरण, जिसे सत्य व्रत का पालन करना है उसे अनविज वाचरण। अनविज वाचरण माने आगम के अनुसार बोलना चाहिए, आगम के अनुसार सोचना चाहिए। आगम में ये क्या लिखा है? ये दीवार है नहीं, ये अधू है, वैराग्य प्रधान शैली है, ये पर है, अपनी ही नहीं है, अपने अनुसार पर्ण मत नहीं होगी। ये दीवार जिस दिन से बनी उस दिन से पुरानी होने लगी। कपड़ा पुराना रहने लगेगा, शरीर पुराना रहता तुम्हें। अरे ये वे भोग हैं जिनको अंत बार भोग भोग कर छोड़ा है। आचार्यों ने लिखा,
परचित में अवज्ञा होती है, अपरचित में प्रीति होती है। लेकिन ये बात भी मोई जीव के ऊपर भाषित नहीं होती, खड़ी नहीं उतरती। भोग परिचित होने पर भी उनमें प्रीति है और जिनवाणी का परिचय नहीं है तो भी अप्रीति। ये कथाएं हमें सुनने नहीं आएगी, ये समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ करने नहीं करने लायक। समझ में नहीं आ रहा, हम बैठे यहां होंगे कितनी बार कहा और हमारा उपयोग कहीं और, हमारा अपमान हो गया, हमारा सम्मान हो गया। अपमान सम्मान किसको होता है? जिसका विक्षिप्त चित्त होता है उसे अपमान सम्मान का एहसास होता है। जिसका चित्त विक्षिप्त है, जो आत्मज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञानी को अपमान सम्मान के स्थान नहीं होती। नियमसार जी में कहा आत्मा के मान अपमान के स्थान नहीं होती, आत्मा में होते नहीं और आत्मज्ञानी होते नहीं, सिद्ध दशा में होते नहीं। ये समागम अत्यंत दुर्लभ है, ये मत सोचो केवल किसके लिए मिला है, ये सोचो। एक निगोदिया भी कसाई की पूर्ति में लगा है, अठारह बार जन्म मरण करने वाला है। अगर हमने कसाई की पूर्ति कर भी ली तो पहले कसाई की पूर्ति से सुख नहीं हुआ, कसाई की पूर्ति असंभव। और कसाई की पूर्ति अगर हो भी जाए तो भी उसे सुख तो नहीं हुआ। पहले दृष्टांत दिया था, हम कोयले को धो करके सफेद करेंगे, सब साबुन बर्बाद हो जाएगा, सब मेहनत बेकार हो जाएगी, कोयला सफेद नहीं होगा। ये झूठी है। हाँ, अगर चीज झूठी लगती है तो ये क्यों नहीं लगता? क्रोध से दुखी ही होता है, मन से दुखी ही होता है, माचारी से दुखी ही होता है, लोभ से दुखी ही होता है ही। और ये कथाएं क्रोध मान माया लोग अपने लिए दुख का कारण है और दूसरे के लिए दुख का निमित्त है। अनुमोदना भी करने लायक नहीं है। मिटाने लायक है कौन सा तत्व है? तत्व में आशाबंध, आशाबंध ही होती है कि अनुमोदना करने लायक होती है? लगता ही नहीं है, इससे क्या हो गया, क्या होता है? कब तक परमात्मा बनी रहोगे? बाहर के दंड और पुरस्कार को ही, अनुकूलता प्रतिकूलता को ही सुख दुख मानोगे? कुछ नहीं होता है, ये इसका उत्तर आपको दिया था पहले। क्या होता है जब तुम्हारे मन में विकल्प आ गया तो सोचना कर्म का बंद होता है, सुख का वेदन करने में असमर्थ हो जाएगा, इन आज्ञा का उल्लंघन होता है। क्या नहीं होता ये बताता हूं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भीतर घुसी है कुछ नहीं होता। एक मिनट में क्या होता है? हाँ, एक एक मिनट हो तो कई मिनट हो गए, नहीं हमारे लिए एक मिनट हो गया और एक मिनट की जगह पर 20 मिनट बैठे, एक घंटा बैठे, एक मिनट में भूमिका नहीं बना पाओगे। एक घंटा भाषण करना बहुत सरल है,
एक मिनट में अपनी बात को पूरा करना बहुत कठिन है। एक घंटा गाड़ी रुकती है आराम से हो जा, एक मिनट रुकेगी तब एक मिनट रुकने वाली गाड़ी तुम्हें पता है अगली चांस आई कि नहीं आई। सांस सांस में सुमिरन कर ले, अगली चांस आने की कोई याद नहीं है, लेकिन हमें तो गारंटी। हमने अपनी बुद्धि को ज्यादा क्यों समझा आगम से, ये बहुत अपराध है, छोटा अपराध नहीं है। हमने आपको एक दर्शन दिया, हम एक पूजा और करने लगे, हम एक पाठ और करने लगे, हम एक स्वाध्याय एक चांद और करने लगे, लेकिन मानेंगे अपने को मनुष्य, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानेंगे, इच्छा पूर्ति को सुख मानेंगे, कभी कल्याण नहीं हुआ। कोलू का बैल दिन भर चलता है, कहीं नहीं पहुंचता, क्यों? घेरे में प्रतिबंधी उसके, ये बात कैसे लिखी होगी? अज्ञान से मिला नाना, लगता ही नहीं। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, सुविधाओं की आशा मत करो, और चाहने से हुआ पुण्य के उदय प्रमाण सुविधाएं हर जगह मिलेंगी, हर समय मिलेंगी, और पुण्य से ज्यादा चाहने पर भी नहीं मिलेंगे। क्या करोगे? यहां अपनी चलती नहीं है, वहां से अपना उपयोग हटा। जहां कोई उपाय नहीं है वहां सहन शक्ति ही उपाय है, भिन्न जानो और कोई उपाय नहीं। घबराओ मत, धीरे धीरे भी चलोगे तो अभी एक किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर सोनी हो जाएगी, और जल्दी जल्दी चलोगे तो 6 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर सोनी हो जाएगी। उसको आप क्यों आते हो? बस में चलती हुई बस में पहुंच गया, संयोग की बात बस खाली जा रही है, कंडक्टर का भाई साहब सीधे बैठ गया, बोले जल्दी पहुंचना है, कच बस चले कस हम चले, उतर के ही डर गए। हमने आपको कहा था कि देखो अपना कर्तव्य छूटने से पहले कर्तव्य झूठा तो लगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, ये मानता पड़ी अभी तक। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, नारायण और बलभद्र जैसे जीव भी शक्तिशाली भी अपने माता पिता को नहीं बचा पाए। द्वारिका का अध्ययन हुआ, अकेले खड़े रह गए जंगल में। जी जयरथ कुमार ने ये सोचा था मेरे हाथों कृष्ण की मृत्यु हो रही है तो बहुत बड़ी बात, मैं रहूंगा ही नहीं, वो कैसे जाएगी। और जयरथ कुमार जंगल में ही था, उसने तीर छुड़ाया और एक तीर की लगत कृष्ण की बिन जाई पाया। हम आपसे पूछती शराब फेंकवाई थी, शराब पहुंचाई थी, जंगल में कहां शराब की दुकान थी, लेकिन उन्होंने पहुंचा दी वहीं, और उन्होंने पियानी यान करके पी ली, और बगल में बैठे दीपान मुनि उनको आ गया क्रोध। नारायण ने क्षमा मांगी कृष्ण ने, लेकिन क्या होता है,
द्वारका जल गए, अब खुद भी जल गए। एक कथा की अग्नि मुझे जलाने वाली है, इसको अग्नि को भस्म करने वाली ध्यान की अग्नि है और कोई उपाय नहीं। और ध्यान जब कहा तो सद्धान और ज्ञान अंतर गर्भित समझ लेना चाहिए। अंकुरे को अगर उगा कह सकेंगे तना किसका बनेगा, अंकुर को ही उखाड़ करके फेंका, अब तना बना किसका बनेगा। ध्यान ध्यान ध्यान, अरे तुम्हारा सद्धान बदलो तब ध्यान होगा। धर्म ध्यान चौथे गुण शांति प्रारंभ होता है। चौथे गुण शांति पहले धर्म ध्यान होता ही नहीं। मंद कथा अलग बात है, धर्म ध्यान अलग बात है। मंद कथा को भी धर्म ध्यान कह देती है उपचार से, लेकिन चौथे गुण शांति के बिना धर्म ध्यान नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? सद्धान बदले बिना ध्यान नहीं होता, ज्ञान बिना ध्यान तरंग रूप होता है। हम सुधरेंगे ये तो 10 बार कहोगे, हम समझेंगे ये 1 बार भी नहीं कहोगे, और समझे बिना सुधरेंगे कैसे? कभी जब तक सामने वाले को ये समझेंगे नहीं ये भगवान है। तुमने साधारण की बात समझ ली है भगवान है। अरे गड़गर इंद्रादिक उत्तम जी जिनका अपने इख्तियार सेवन करते हैं, ये मुंडा आज है चक्रवर्ती जिनकी वंदना करते, दरबार में कभी नहीं जाते, वे मुनि और उन मुनि के पास चक्रवर्ती जाते, राजा महाराज जाते हैं शांति की प्राप्ति के लिए। समझ में आता है? हमने समझा है कुछ कि भगवान है, जिनकी विराधना का फल अनंत दुख है, जिसकी आराधना का फल अनंत सुख। हरि भगवंतों की दिखे, अपना स्वरूप दिखे, मोक्ष मार्ग दिखे। अब भगवंतों को देखे ही नहीं तो क्या दिखेगा? दिखेगा अपने विकल्प। एक कमजोर सा बच्चा रेल की बर्थ पर लेटा, पीजी आया, देखता रहा, कब से बीमार तुम, टिकट चेक करना तो भूल गया, उसी लड़के की याद आ गई। क्या कौन कह दी बीमार है? अरे बात मत सुना, हमारा लड़का भी ऐसे कहता था, चला गया वो, उसी लड़के की याद आ रही। कौन पढ़ा है सामने ये से ज्ञान नहीं होता, उसे कल्पना लड़के की हो रही है। टिकट चेक करना भूल गया, कह के ये आया भूल गया, और बस दो कहने लगा कहो अच्छी जात छोड़ देखा, कहो अच्छी अच्छी तरह रहता, क्या बात है, क्या कमी है? उसको ये दिख रहा है वही उपयोग जाता है। उस दिन वो बैठे चिकित्सक दवाइयों में भी उपयोग जाएगा, प्राकृतिक में उपयोग आएगा, पटी चले भगवान की भक्ति कर लो ये उपयोग नहीं आएगा। पाप उदय से होने वाला रोग पाप का उदय मिट जाने से अपने आप दूर हो जाएगा। वही कामदेव जिन्होंने कोड़ी कोड़ी कहा था मुनराज को, नहाते भी नहीं रहते, कोड़ फूट गया,
और जवाहरात न करी तो कोई ठीक हो गया, कौन सी दवाई करी। लेकिन ये अलग, ये अलग, हम वो ही मानते जो तुम करते हो। अरे पांव धोया पहले, मुंह धोया, दवाई की और तुम्हारा उपयोग क्यों जाता है? क्या एलोपैथिक जाए, क्या आयुर्वेदिक जाए, क्या प्राकृतिक जाए, तुम्हारा उपयोग परिणाम की ओर क्यों नहीं जाता? अच्छी तरह खाओ करो, नहीं दूध घी खाओ करो, ये क्यों उपयोग जाता है? भक्ति करने से स्वस्थ रहोगे, ये क्यों नहीं जाता उपयोग? भक्ति में स्वास्थ्य की प्रेरणा मिलेगी और बाहर का स्वास्थ्य भी पुण्य के अधीन है, भक्ति करने से क्यों नहीं ठीक होगा? सम्यक ज्ञान चंद का मैठोटरा मल जी ने अर्थ के पक्षवादी को संबोधन किया। क्या संबोधन किया? दे पापी, पैसा तुम्हारी कमाई कमाता है, स्वाध्याय आदि में पुण्य बंधेगा तो पैसे क्यों नहीं आएगा? दुकान आदि से ही पुण्य पैसा आएगा। बहुत से ऐसे हैं, इनसे पूछो काय की दुकान का सो खाओ की नहीं, और अपनी बुद्धि चलती है कि यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन करते हो। अरे पैसा पुण्य से आता है, ये व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ में अपनी योग्यता से आता है, और सुनो परमार्थ अपने भीतर कभी आता ही नहीं। अपने स्वरूप में क्या आता है ये बता, ज्ञान घने उसमें कैसे घुसेगा? लेकिन दबेगा, हम बड़े आदमी पैसा है, हम छोटे आदमी हमारे बहुत पैसा नहीं। अभी कोई अनादर का प्रसंग बन जाए यहाँ तो ये लगेगा हमें कौन पूछता है, हमारे 600 में इतना नहीं, हमारा पैसे ही नहीं हमारे पास। पैसा और 600 की ओर जैसी जाएगा ये नहीं, ये उदय का कार्य अलग है, अपना कार्य अलग। हमारा कर्तव्य समता का अभ्यास करना है, हमारा कर्तव्य ये नहीं है कर्तत्व लगाए वहां विपरीत विचार करें। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, सुविधाओं में दुविधा होगी। जितनी सुविधाएं भौतिक विज्ञान ने जुटाई हैं उतनी दुविधा बढ़ी है आदमी, जितनी औषधियां बढ़ी हैं उतना रोग बढ़ी है। पहले कहां ये बातें सुनते थे, इन्हें कैंसर हो, इन्हें कैंसर हो, इन्हें कैंसर हो, कहां सुनते थे? गांव के स्वच्छ वातावरण, शारीरिक मानसिक श्रम का संतुलन, बीमारी सुनते ही नहीं। एक आध दिन बुखार आएगा, लंगन करो ठीक हो, जुकाम होगा उसी दिन अपने आप ठीक हो। अब इतना धैर्य नहीं, 3 मिनट का भी होना चाहिए अभी ठीक होना, ये डॉक्टर को जानता ही नहीं। अगर उसने 3 मिनट में ठीक किया तो एक खुराक मिली हुए, हाँ क्या वो खुराक मारने वाली तुम्हें क्यों नहीं हो? ये सोच बदल लेना चाहिए। आत्मा में करने का अवकाश नहीं, ये अध्यात्म का धन है। सारे विश्व में ही करने का अवकाश नहीं है, ये आगम का कथन है।
आगम बिना आध्यात्म कैसे आएगा, आगम बिना परमागम कहां से बनेगा। जो आगम है वह परमागम नहीं कहेंगे उसमें, लेकिन जो परमागम है उसी आगम कहेंगे। आगम तो पहले, आगम बिना परमागम बनाओ, सब लिखो परम परम कर दो, परम आगम नहीं हो, उत्कृष्ट आगम जिसमें अपने हित की बात कही जाए, जिसमें मोक्ष मार्ग कहा जाए। हमने तो ये मान लिया कि उत्कर्ष किसको, जो हमारी इच्छा के अनुकूल हो। बैठ जाएंगे अपने चाचा और बस इसी वो ही अभ्यास करेंगे। अगर तुम झूठ को दोहराते रहोगे तो सत्य की अनुभूति कभी हो जाएगी। करते करते देखो व्यवहार बिना परमार्थ होता नहीं, सुबह तक, लेकिन व्यवहार करते करते भी परमार्थ नहीं होगा। हम व्यवहार करते हैं और संतुष्ट बने रहे, परमार्थ हो जाएगा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब ये तो बात पच्चीस से स्वीकार कर लेंगे, लेकिन व्यवहार परमार्थ के नाम पर भी हमने क्या किया। चाचे लोग मिलेंगे तुमसे, भैया परमार्थ के तक्ष वाले, परमार्थ एक तक्ष, उसमें परमार्थ क्या है, पुण्य परमार्थ है। एक प्याऊ लगाया जी, एक चश्मा बटवा दे, एक दवाई बटवा दी, एक शिविर लगा दो, ये परमार्थ के काम है कि व्यवहार के काम। धार्मिक लगा दिया हमने एक शिविर, परमार्थ है कि व्यवहार है। पूजा कर ली हमने, हमने स्वाध्याय कर लिया, ये सब व्यवहार है। परमार्थ को समझा ही नहीं, और व्यवहार भी समझ में परमार्थ को समझे बिना नहीं आया। हमने आपको कहा पहले, भगवान का दर्शन तब व्यवहार है जब आत्म दर्शन के लक्ष्य कम से कम किया जाए। आत्म दर्शन का कुछ लक्ष्य भी नहीं है। हमने कहा स्वाध्याय रोज किया करो, आप बोले हम दर्शन तो रोज करते हैं। आपने अपनी मां से कहा आज नमक क्यों नहीं रहा, कल तो डालर। ये कोई जवाब है, ये मन का था कि कल कौन, कल की बात कौन कर रहा है, हम तो आज की बात पूछ रहे हैं। आज नमक क्यों नहीं जा रहा, नमक कम क्यों हो गए, तुम्हें नमक और ले आना चाहिए, नमक डाल देना चाहिए, कल तो डाल रहा, कल से डाल देंगे, ये कोई बात है। कल से कर देंगे तो भैया कल से कर लोगे तो फिर हम भी कल से कर देंगे, शांति भी कल ही मिलेगी। इतना धैर्य है तुम्हें, सुविधाओं की दुविधा त्यागो। हमने एक बात दृष्टांत से कही थी, क्या करें, ये करें ये करें, ऐसे मत सोचो, करना तो यही है, कैसे करें ये सोचो। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, जहां जिस कारण का प्रसंग आया है उस कारण को वहां लगाना चाहिए। योग उपचार भी होता है,
लेकिन योग उपचार होना कमजोरी का काम है। भक्ति करना ये भी शुभ काम है, वो बाप का काम है, ये पुण्य का काम है, और योग्यता अंतर का कारण। आम के नीम के पेड़ पर आम कभी नहीं आए, और आम के पेड़ पर भी आम फसल पे आए, ऋतु पे आए, क्या कब हर समय नहीं आए। हमने किताब खोली और हमारा दुख दूर होना चाहिए, हमारी इच्छा पूर्ति होना चाहिए। कहां से ले आए तुम? अरे भाई, जितना कर्म का स्थिति है उतनी तुम्हें भोगनी पड़ेगी, जल्दी सोनी हो जाएगा। लेकिन भक्ति करने में हम अधीरता रखते हैं, आकुलता करते हैं। एक बात कही थी वहां कि भैया, आकुलता मिटाने के लिए पूजा भक्ति कर रही हो, और पूजा भक्ति में ही आकुलता करोगे तो और कहां। स्वाध्याय का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। ये नहीं है बार बार हम पढ़ लें राजा नारायण छत्रपति जिंदगी भर पढ़ते हैं और उसके मर्म को समझे नहीं, उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं हो, बस कुछ नहीं रहता। पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है सुन लेता है, कोई नहीं सुने तो कोई आती नहीं, खेल खेल हो जाते। बहुत लोग सुने तो संतुष्ट हो जाते, और मानने वाले हों तो फिर क्या पूछा, फिर तो कर्तव्य पर सी लग जाती है। हमने इसको लगा दिया, इसको सुधार दिया, इसको क्यों नहीं सुधारा। काय की सब्जी बना रही भाई से पूछो, क्या लौकी की, तो तू रही थी लौकी की सब्जी बनाओगी लौकी से लौकी। जब लौकी से लौकी बनेगी तब तो निमित्त हो जाएगी, लेकिन थोड़ी की लौकी तो नहीं बनाओगे। हम कहें आज तो परमल की सब्जी बनाओ लौकी से, परमल ही नहीं लौकी है, कैसे बनेगी। जब लौकी से परमल की सब्जी नहीं बनेगी तो जो बताओ अचेतन चेतन से कैसे हुआ, हमारे विकल्पों से कार्य कैसे हुआ, हमारी मान्यता के अनुसार वस्तु का वर्णन कैसे हो जाएगा। इतना स्वाध्याय बहुत है कि विभूति मुन्नाज शास्त्र नहीं पढ़ रहे थे। दाल देव घूर जी भाई भाई क्या करें, कि छिलका अलग कर रहे दाल अलग कर रहे, अरे शरीर अलग है आत्मा अलग है, मोक्ष मार्ग खा दिया। कौन से शास्त्र पढ़े थे, लेकिन हम समाज का नाश नहीं करना चाहते, काम के नाम पर पढ़ाई और पढ़ाई के नाम पर फिर विकता, अपने अनुसार पर्ण मन करना चाहती वस्तु का, केवल अनुकूल गांव के लिए मुचरते हैं, बाद की कोई मतलब नहीं, अनुकूल कुछ पाने के लिए मुचलो मत, कुछ पाकर के उछलो मत, जो अपना लक्ष्य है उसे भूलो मत। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना पुरस्कार करो, ऐसा थोड़ी है कि हम अपने हिसाब से करेंगे, हिसाब से मारी जी ने भी सोचा था, आदनाथ अपने हिसाब से शंकर बने, हम अपने हिसाब से अपने मत का परिवर्तन करेंगे। क्या हुआ, संसार
संसार का भाव कब हुआ? जब आदिश्वर के हिसाब से मन का बदली, मन का बदलने का प्रयास करना चाहिए। सारा पुरुषार्थ पहले दृष्टि बदलो, दृष्टि अगर बदल गई तो बहुत काम हो गया, दृष्टि नहीं बदली तो ये समझो कुछ भी काम नहीं, हम के बिना सुन रखते जा रहे। लेकिन विपरीत दिशा बदलेंगे नहीं और हम स्पीड बढ़ाएंगे, दिशा बदलो स्पीड तब बढ़ाने ये काम चलेगा। स्पीड बढ़ना चाहिए, हमको कहते हैं स्पीड बढ़े, लेकिन दिशा पहले बदलना चाहिए, दृष्टि बदलना चाहिए, मनसा बदलना चाहिए, विचार करना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।